फ्री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हों तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। समसामयिक घटनाओं से एक महत्वपूर्ण सूचना और रिपोर्ट को उद्धृत करते हुए संक्षिप्त सेशन आप तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जो है हम आज UPF यानी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और वालांग जो कि एक स्थान है अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ पर आयोजित हुए एक समारोह के बारे में जो है देखेंगे और समझेंगे कि क्या यह है। तो UPF यानी कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जिसको हिंदी में जो है अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के नाम से जाना जाता है, अति प्रसंस्कृत। अधिक प्रसंस्कृत जो है खाद्य, अब सबसे पहले इस बात को समझना आवश्यक है कि अधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ क्या है, इसके दुष्प्रभाव क्या है और इसके संदर्भ में छपी हुई एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट और बेसिकली जो है व्यक्ति को इस दिशा में क्या करना चाहिए, इन चीजों को है हम अंतर संबंधित करते हुए देखेंगे। अधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ को समझने से पहले हमें नेचुरल खाद्य पदार्थ या अप्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ यानी कि जो प्रसंस्कृत नहीं किया गया उसको समझना है, यानी कि एक ऐसा खाद्य पदार्थ जिसके गुण या जिसके खनिज तत्व, विटामिन और सारी चीजें जो है प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती हैं वह जो है अप्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ होते हैं। किंतु जब हम उसके स्वाद को, उसके रंग को, उसके ड्यूरेबिलिटी को यानी टिकाऊपन को बढ़ाने के लिए जब उसमें हम कृत्रिम रूप से जो है कलर, फैट, इसी तरीके से शुगर, साल्ट, प्रिजर्वेटिव को जो मिला करके उसके स्वाद को बढ़ा देते हैं, उसके रंग को बदल देते हैं, उसके जो है समय खराब होने के समय को बढ़ा देते हैं, जिससे कि एक पदार्थ को लंबे समय तक जो है प्रयोग में लाया जा सके, तब वो स्थिति होती है UPF की यानी कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की। अर्थात अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड या अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ वह खाद्य पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से उत्पादित किए गए जो है खाद्य या पेय में कृत्रिम रूप से जो है शुगर, साल्ट, प्रिजर्वेटिव, कलर, वसा या जिसे फैट कहा जाता है को ऐड करते हुए जो है हम उसके रूप रंग को बदल देते हैं, जिससे कि एक समय पर बनाए गए जो है कृत्रिम रसोई के जो है इस खाद्य एवं पेय पदार्थ को लंबे समय तक उसके जो है बढ़े हुए स्वाद के साथ प्रयोग में लाया जा सके। तो ऐसे जो है खाद्य पदार्थ को या पेय पदार्थ को जो है अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ कहा जाता है, जो कि व्यक्ति के स्वास्थ्य और एक सहज जो है स्वास्थ्य वैचारिकी के अनुकूल नहीं माना जाता है। यदि व्यक्ति इससे जो है बहुत ही सीमित मात्रा में प्रयोग में लाता है तो इसका बहुत बैड इफेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन यदि व्यक्ति अपने आम जीवन में जो है इसे प्रमुखता से स्थान देता है तो इससे कई प्रकार की गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं जो कि इसके दुष्परिणाम की श्रेणी में आते हैं। इसके माध्यम से शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर संबंधी जो है समस्याएं हैं, स्किन संबंधी समस्याएं, एसिडिटी की प्रॉब्लम रिलेटेड जो है कई जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इसको अपने खाद्य सामग्री में प्रमुखता से शामिल करने के कारण से उत्पन्न हो जाता है। आज व्यक्ति जो है शहरी लाइफस्टाइल, समय की कमी, टेंशन, प्रेशर इत्यादि के कारण से ऐसे खाद्य पदार्थ को जो है पसंद कर रहा है जो बहुत ही कम समय में इजिली उसको मिल जाती हैं या वह उसके टेस्ट के अनुसार होती हैं, बेहतर जो है अट्रैक्टिव कलर के साथ में होती हैं, तो व्यक्ति अपनी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो है इन सभी खाद्य पदार्थ को जो है प्रयोग में ला रहा है, जिसके कारण से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं, जो कि मैंने अभी 4-5 बीमारियों डिजीज के बारे में आप लोगों को बताया। तो कुल मिलाकर के जो है अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जो है कुछ इस तरीके अस्वस्थ जीवन शैली को जो बढ़ावा देने से संबंधित जो होती हैं और इसे व्यक्ति को अत्यंत ही कम मात्रा में या ना के बराबर ही जो है लेना चाहिए। सामान्यतया जो है व्यक्ति को ताजे और
प्राकृतिक रूप से जो उत्पादित किए गए जो पेय पदार्थ खाद्य पदार्थों का जो उपभोग करना चाहिए, या डिब्बा बंद या पैकिंग किए गए जो है लंबे समय तक रखे गए खाद्य पदार्थों को खाने से बचना चाहिए, जिससे कि जो स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार की बीमारियों को होने से रोका जा सके। तो यह रहे जो है अप्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और उनसे होने वाले कुछ जो है डिजीज। अभी हाल में ही जो है अमेरिकन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन नामक एक रिपोर्ट में जो इस बात को स्पष्ट किया गया है कि लगभग जो है 57,000 लोग जो है वो ब्राजील में जो है यूपीएफ यानी कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के जो है उपयोग के कारण से जो है मारे गए। अब ये 57,000 का आंकड़ा केवल एक देश में है मरने वालों की संख्या, जबकि इससे प्रभावित दुष्प्रभावित और रोग ग्रसित लोगों की संख्या कितनी हो सकती है यदि इसे एक महाद्वीप और पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो ये आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस सामान्य जीवन शैली के अंतर्गत प्रभावी रूप से अपने खाद्य पदार्थों के स्थान पर उपयोग में नहीं लाना चाहिए या इसके उपयोग से बचना चाहिए। कुल मिलाकर के अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यह संक्षिप्त लेक्चर आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है कि कम से कम ऐसी चीज़ों का जो है उपयोग आपकी जीवन शैली में हो। दूसरा हमने लिखा हुआ है वालान, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। वालांग जो है लिखा हुआ है तो ये क्या है, वालांग एक स्थान है अरुणाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश भारत का जो एक ऐसा क्षेत्र है जो चीन के जो है सीमा चीन के साथ जो है सीमा बनाता है, बॉर्डर लाइन एरिया जो है बनाता है। और वहाँ पर जो है 1962 ईस्वी में भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था और चीन अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के चलते भारत के कुछ क्षेत्रों पर जो है आक्रमण कब्जा करने के जो है उद्देश्य से आक्रमण किया हुआ था, तो भारत और चीन की जो है सेनाएं आपस में जो है आमने सामने आई और भारत के जो है कई जो है सैनिक इसमें हताहत हुए, शहीद हुए। उन शहीद हुए जो है सेनानियों और आर्मी के जवानों के सम्मान में जो है वालांग महोत्सव का जो है आयोजन जो है किया गया था। महोत्सव का आयोजन जो है किया गया है और यह महोत्सव जो है इन शहीद हुए सेनाओं के जो है सम्मान में आयोजित किया गया है। तो मूल रूप से आपको ये समझता है कि वालांग जो महोत्सव है वो वालांग नामक स्थान पर आयोजित करने के कारण से जो इसको कहा गया है। यह अरुणाचल प्रदेश में है और यह क्यों आयोजित किया गया, क्योंकि 1962 ईस्वी के युद्ध में भारत और चीन के द्वारा जो युद्ध हुए उसमें भारतीय सेनानियों के जो है शहीद होने के कारण से उनके सम्मान में आयोजित किया गया। और यह जो है इस युद्ध के जो है 60 वर्ष के बाद मनाया गया, यानी कि यह इसका जो है हीरक जयंती था, हीरक जयंती। अब यहां पर कोई भी कार्यक्रम, कोई भी स्थापना, किसी भी उद्घाटन के बाद जो कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं, कुछ कार्यक्रम 25 वर्षों में, कुछ कार्यक्रम 50 वर्षों में, कुछ कार्यक्रम 60 वर्षों में, कुछ कार्यक्रम 75 वर्षों में जो है और कुछ कार्यक्रम 100 वर्षों में मनाए जाते हैं, तो उनके लिए अलग अलग जो है नाम दिए गए हैं। तो हम थोड़ा सा इसको भी जो है समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर कोई भी कार्यक्रम जो है 25 वर्षों में मनाया जाता है, कोई 50 वर्षों में मनाया जाता है, कोई 60 वर्षों में मनाया जाता है और कोई जो है 75 वर्षों में मनाया जाता है, कोई जो है 100 वर्षों में मनाया जाता है, तो ये जो होता है ये सिल्वर जुबली होता है, धातुओं के नाम पर रखा गया है। ये जो है सिल्वर जुबली हो गया और ये हो गया जो है गोल्डन जुबली हो गया और ये हो गया जो है डायमंड जुबली, जो कि अभी हमने जो इसे हिंदी के रूप में जो है हीरक जयंती के द्वारा बताया, और ये जो हो गया प्लेटिनम हो गया और ये जो हो गया आपका शताब्दी समारोह, यानी कि 100 वर्षों पे बनाया जा रहा है। सिल्वर हो गया और ये जो गोल्डन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि एक दूसरे के दो गुने हो जाते हैं। ये 25 वर्षों के बाद बनाया जा रहा है और ये जो है सीधा 50 वर्षों के बाद, डायमंड जो है 60 वर्षों तक, प्लेटिनम पास से 75, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जबकि आपको याद हो जाएगा और ये 25 और 50 है तो जाहिर सी बात है कि एक 60 बचता है जो कि डायमंड यानी कि हीरक जयंती के रूप में जो है मनाया जाता है। तो इस चीज की जानकारी आपको होना चाहिए। कई बार ऐसे भी सवाल साक्षात्कार या संदर्भगत जो है
परिस्थितियों में आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो इसकी भी जानकारी होना आवश्यक है। तो इस संक्षिप्त लेक्चर में हम लोगों ने आज जो यूपीएफ यानी कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड अर्थात अधिक प्रसंस्कृत जो है खाद्य पदार्थों के बारे में, उसके दुष्प्रभाव, निपटने के उपाय और एक रिपोर्ट के बारे में जो है ब्राजील की भयावह स्थिति को जो दिखाया गया। दूसरी तरफ वालांग महोत्सव जो कि 1962 में भारत और चाइना के बीच हुए युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान समारोह में जो है आयोजित किए गए जो है उत्सव और मेले से जो है संबंधित है, जो कि 60 वर्ष के बाद जो हीरक जयंती के रूप में मनाया गया। और पुनः हमने जो है देखा कि 25, 50, 60, 75 और 100 वर्षों पर मनाए जाने वाले कार्यक्रमों को हम लोग किस नाम से जो है संबोधित करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये महत्वपूर्ण और कॉम्पैक्ट जानकारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण लगी होगी। पुनः अगले लेक्चर में जो है हम इसी तरीके की जानकारी को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।